लास्ट पार्ट में आप सबने देखा था कि मम्मी लोग सब लोग पानी भरने गए थे एक छोटा सा नदी है हमारे यहाँ पे तो मोस्टली जब कभी भी शादी होती है पखानझुड़ में तो या तो एक तालाब है डैम है वहाँ जाते हैं या पे या फिर छोटा सा नदी नाला जो बोल सकते हो वहीं पे आते हैं पानी भरने के लिए मैं तो वहाँ अकेली थी आप लोग को वैसे पता ही है बाकी सब लोग तो यहाँ पर नाचने गाने के लिए चले गए थे हमारे यहाँ पे जब भी ऐसे शादी होती है और पानी भरने जाते हैं ना तो सब लोग अपना डीजे वगैरह कर लेते तो डीजे में मस्त गाना में नाचते नाचते सब लोग जाते पानी वगैरह भरने के लिए डीजे आगे चलते रहती है और सब इनके पीछे पीछे चलते रहते हैं भी जितने लोग आप लोग को दिख रहे हैं ये लोग मेरी ये ग्रीन कलर की जो डांस के लिए जश्न पहन के ये जूली है आप लोग को याद है कि नहीं फिलहाल अभी लोग हमारे घर तक पहुंच चुके हैं अब मुझे लगेगी हल्दी और ये पैंडल वगैरह पूरा मेरे घर में ही सजाया गया था मेरे घर का आंगन बहुत बड़ा है इसलिए मेरे घर में ही शादी हुई है और बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेशन किया गया था अगर इस वीडियो में दिखाते बनेगा तो आप लोग को दिखाऊँगी नहीं तो फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को दिखाऊँगी कि डेकोरेशन किस तरीके से किया गया था काफ़ी सुंदर किया गया था डेकोरेशन एक बाप अपनी बेटी की शादी में अपनी ज़िंदगी भर की कमाई झोंक देता है ताकि शादी में कहीं पे कुछ भी कमी न रहे मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा देने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे भी हल्दी को सिलबट्टे में पीस रहे हैं और जो सफ़ेद कलर का इसे क्या बोलते मुझे नहीं पता और थोड़ा सा मेथी है थोड़ा सा हल्दी है और ये सफ़ेद कलर का इसको क्या बोलते हैं तो बोलते मुझे सच में नहीं पता तो इन तीनों को एक साथ में मिला के पीस रहे हैं और इसको पीसने के लिए भी पांच लोग चाहिए रहता है तो पांच लोग एक दूसरे को पकड़ के फिर शंख बजाते हैं उलूलू करते हैं उसके बाद फिर ये पूरा पीसा जाएगा आप लोग को धूप देख के समझ में आ रहा होगा कि सूरज आधा डूब चुका है इस समय साढ़े तीन बज रहा था और मुझे अभी तक नहलाए नहीं थे हल्दी नहीं लगवाए थे पता नहीं कहाँ से क्या क्या लेट हो जा रहा था कुछ समझ में नहीं आ रहा था मेरी ये वीडियो शेयर करने के पीछे बस एक ही रीज़न है आ, ये ये रीज़न है कि आप मतलब एक बाप बाप अपने मतलब सालों का जमाया हुआ पैसे से अपनी बेटी की शादी देता है इतना रुपए खर्च करता है घर के सारे लोग खुश रहते हैं हंस उल्लास के साथ रहते हैं और आखिरी में क्या होता है बेटी के साथ हाँ यहाँ पे हमारे पे ऐसा होता है कि मुझे आ, मामा और मामी दोनों उठा के लेके आए थे गोदी में आ, मतलब नीचे से चल के नहीं आते गोदी में उठा के ले आते हैं मामा मामी या फिर जीजा लोग या भाभी लोग इस तरीके से तो सबसे पहले हल्दी हमारे में मामा लगाते हैं उसके बाद पापा और फिर मम्मी लोग लगाते हैं मतलब कहते हैं कि मामा से हर शुभ काम का शुरुआत किया, किया जाता है तो आ, एक गमछा इसको हम लोग गमछा बोलते हैं बंगाली में आप लोग के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं बताना मुझे नहीं पता तो ये गमछे से सर को ढक के फिर सारे रिचुअल्स के जाता है और पीछे आजू बाजू में केला का पेड़ भी है पता नहीं कहाँ गया मुझे भी नहीं समझ में आ रहा बट लगाए थे तो पापा का भी हल्दी लगाना हो गया है अभी और फिर मम्मी लगाएगी फिर भाई बहन फिर जितने भी रिलेटिव्स हैं ऐसे करके सब लोग थोड़ा 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 हल्दी लगाते हैं कभी भी किसी भी माँ बाप को नहीं पता होता कि जब उनकी बेटी की शादी होती है तो शादी के बाद उसके साथ इस तरीके से हरकत आने वाला इंसान कर सकता है मतलब उन लोगों के अंदर इतनी दरिंदगी इतनी इनह्यूमन इतना निर्दयी होते हैं ये लोग ये लोग बिल्कुल भी नहीं सोचते कि जो जिस बच्चे को माँ बाप नाजो से पाल पोस के बड़ा करते हैं पढ़ाई लिखाई सिखाते हैं जिसके पीछे इतना पैसे खर्च करके उसको एक इंसान बनाते एक बेहतर इंसान बनाने के लिए बच्चों का एडुकेशन देना बहुत ज़रूरी होता है और आप लोग को पता होगा बेटी अपने अपने मायके में अपने घर की जान होती है चाहे वो मैं हूँ आप हो कोई जितनी भी बेटियाँ होती है बोलते सिर्फ बेटियों से घर चहकता है महकता है इन इल्लों क्या समझेंगे इनके घर की खुद की बेटी घर से भाग गई है ये ये समझेंगे कि बेटियाँ क्या होती हैं मैं यहाँ पे इतना खुश थी इतना सारे चीज़ें मेरे मन में चल रहा था घर के सारे लोग बहुत खुश थे लेकिन शादी के अगर एक हफ्ते में आपको पता चल जाए कि आप शादी करके घर में नहीं गए हो आपको शादी करके एक नरक में धकेल दिया गया है जहाँ के लोग सिर्फ़ और सिर्फ पैसा पहचानते हैं और कुछ भी ना कुछ भी नहीं पहचानते हैं हमको जॉब वाली चाहिए अभी हमारे घर में रहना है हमारा घर का खाना खाना है तो तुमको कमा के देना पड़ेगा ये तुम्हारे बाप ने ये नहीं दिया वो नहीं दिया मतलब इतना सारा चीज़ सुनने को मिलता है ना मैं एक तो जितना मुझे ज्वेलरी मिला वो सारे ले लो ऊपर से बोलो तुम्हारे बाप ने फोर व्हीलर नहीं दिया अरे तो तुमको देख के शादी करना था नहीं करना था मेरे पापा एक टीचर है मेरी शादी भी एक टीचर की फैमिली में ही दिए हैं हम लोग हम मैं, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। सामने वाला इंसान भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है कभी ऊंच नीच ना हो जाए करके पापा ने वैसे ही फैमिली में शादी दिया जिस तरीके से हम लोग हैं ताकि हमारी भाषा बोली खान पान रहन सहन सब मैच हो ये मत हो कल के डेट को कि मेरी शादी हो गई पापा मम्मी वहाँ जा ही नहीं पा रहे ये तो बहुत अच्छी अच्छी रही फैमिली से आई थी बट मैं भी मना कर दी पापा भी मना कर दिए तो यहाँ पे हल्दी लगाना हो गया मुझे और यहाँ पे मुझे सारी ब्लाउज पेटी कोट नानी के घर के तरफ से मिलता है तो हल्दी लगाने के बाद नहाने के बाद नानी लोगों का दिया हुआ कपड़ा ही मैं वेयर करूँगी और जो मामी होती है ना वो खीर बनाती है थोड़ा सा प्रसाद के रूप में फिर मुझे वो खीर खाने को रहता है कि मतलब हमारे यहाँ पे शादी में ना मामा लोग मामा मामी का काम ज़्यादा रहता है जैसे मेरे चाचा लोग चाची लोगों का कोई काम ही नहीं है कोई रोल ही नहीं है रोल तो बस ना नानी के घर का होगा मतलब मामा मामी नानी नानू इन लोगों का रहता है तो बस ये लास्ट फिनिशिंग है जो बहन दे रही है और ये मेरी बड़े पापा की बेटी है उसकी बेटी है इन लोग बस लास्ट फिनिशिंग दे रहे अच्छे से अब यहाँ पे जो नदी नाले से जो पानी भर के लाए थे उससे अब मुझे यहाँ पे लोग नहला रहे हैं तो ये केला का पत्ता है केला के पत् के पत्ते के साथ ही अब मुझे यहाँ पे नहला रहे हैं बाकी थोड़ा सा जो फिनिशिंग रहता है वो मेरी मतलब सिस्टर्स हो गया फिर दीदी लोग हो गए फ्रेंड्स लोग आए गए ये लोग आके पूरा कर देते इसको तो आप जानते हुए जूली है फिर बाकी बचे हुए हल्दी से जितने भी लोग हैं सब लोग हल्दी वगैरह खेलते हैं हल्दी खेलते हैं मिट्टी कीचक जो मिलता है सब चीज़ों से इन लोग खेलते रहते हैं हल्दी लगने के बाद अब मैं सीधा आप लोग से मिलूंगी रात को जब मैं खुद अकेले तैयार हुई हूँ मैं पार्लर वगैरह नहीं गई थी और मुझे उतना आइडिया नहीं था कि पार्लर में जाके भी तैयार होना होता है शादी में क्योंकि तो मुझे तैयार करने के लिए मेरी पीछे एक आंटी आई थी सामने एक बुआ आई हुई थी और मैं और मेरी भाई की फ्रेंड तो मतलब ऐसा हुआ कि पीछे जो आंटी हो मेरे हेयर कर दी थी मैं फेस मेकअप की थी और दुपट्टा वगैरह लगाई थी सर्वर में जो मेरी भाई की जो फ्रेंड है उसने मुझे सामने का तिलक लगा के दिया था ऐसा करके चार पांच लोग मिल के हम लोग कर लिए थे तो यहाँ पे अभी मेरी मुँह दिखाई हो रही है मतलब बारात आ चुकी थी और बारात में जो लोग पहले आए हैं इन लोग मुझे आशीर्वाद कर रहे हैं तो आशीर्वाद वग़ैरह मेरा हो चुका था होने के बाद फिर मुझे घर के अंदर से बाहर लेवा के आके बैठाएं उसके बाद आप लोगों को तो पता है दुल्हन जब बाहर रहती है तो बहुत से गेस्ट आते हैं आके आशीर्वाद देते हैं और मैं यहाँ पे इतना टाइट फ़ील कर रही थी क्योंकि एक तो मुझे फ़ीवर था और मैं आप लोगों को जैसे पता है पुराना वीडियो के अनुसार मैं कुछ खाई नहीं थी मामी थोड़ा सा खीर बनाई थी तो दो चम्मच ही खीर खाए थी क्योंकि खाली पेट मीठा खाने का मन नहीं कर रहा था यहाँ मेरी से एक गलती ये हुई कि मुझे पार्लर जाना चाहिए था तैयार होने के लिए ये चीज़ होता है कि मेरा पूरा फेस बदल जाता मैं अलग दिखती बट मुझे ऐसा लगता है जाना चाहिए था क्योंकि सब बता रहे थे तू बीमार दिख रही है बीमार दिख रही है तो मैं सबको वही बता रही थी कि मैं बीमार दिख नहीं रही मैं बीमार हूँ अंदर से मुझे तीन दिन से फीवर है और एक घबराहट भी होती है पता नहीं क्यों शायद मुझे पहले से एक होता ना मिल रहा था कि मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ घर नहीं नरक है मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं लोग मुझे पहले से हो रहा था शायद इसलिए मुझे फीवर आ रहा था आ, ये हर एक लड़की की ज़िंदगी का सबसे प्यारा सुहाना दिन होता है बहुत खूबसूरत लम्हा होता है ये जो पल जाता है ना जिन लोगों ने शादी किया उनको पता होगा कि इस समय मन कितना घबराता है कितना डरता है कितनी सारी यादें मन में संजोए वो अपना ससुराल का ख्वाब बुनती रहती है तो मेरे साथ भी सेम वही चीज़ें हो रहा था मैं यहाँ बैठे बैठे जो चीज़ें सोच रही थी वो एग्जैक्टली एक हफ़्ते बाद आप जाओ ससुराल में तो सारी चीज़ें आपको अगर उलट पुलट अलग तरीके से मिलती है तो अब क्या फील करोगे और मैं शादी के लगभग पाँच साल तक अभी किसी को कुछ बता ही नहीं क्योंकि ऑबियस सी बात है हर्ट होता है घर वालों को बुरा लगता है घर वाले सोचे पापा बी के पेशेंट है इतना सारा चीज़ पापा के दिमाग में ऑलरेडी टेंशन चल रहा है अब कैसे मैं अपनी फैमिली वालों को बताऊं कि मैं किस तरीके से जी रही हूँ लेकिन मैं तब एक्शन ली जब मेरे पेट में बच्चा था और इन्होंने मुझे मारने की कोशिश किया और मेरे पति ने कहीं और एक्स्ट्रा अफेयर कर लिया उस समय मैं चुप नहीं रही उस समय जाके मैं एक्शन ली जो कि एक्शन मुझे बहुत पहले ले, ले लेना चाहिए था मैं अगर बहुत खूंखार बहू होती जो जूते चप्पल से मारती है झाड़ू से मारती है तो शायद ऐसा होने से शायद मेरे साथ ऐसा कुछ होता नहीं चुपचाप सहती गई तो ये लोग करते गए मेरे साथ जहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ पैसों से तोला जाता है कि हमारे घर में रहना है तो तुमको पैसा कमा के देना पड़ेगा अरे मेरे को तो जॉब वाली बीवी चाहिए थी तुम चलो तुम जॉब करो तुम जॉब क्यों नहीं करती तुम जॉब करो तुमको जॉब करना है तुमको सरकारी जॉब करना है हमारे घर में रहने के लिए तुमको पैसा कमा के देना पड़ेगा सास के ताने सुनो सुबह शाम गाली सुनो पैसा देना पड़ेगा मेरी बेटी यहाँ पर जितने दिन तक थी मेरी बेटी पाँच साल जॉब करके मेरे घर में रही तो पाँचों साल पैसे दी है उसके पैसे से हम लोग राशन खरीदते थे सब्जी खरीदते थे खाना खाते थे तो तेरे को भी पैसा देना पड़ेगा तू अगर मेरे घर में रहेगी खाएगी तो ये सब चीज़ें मैं सही हूँ ये है बारात का टीम जो बाहर खड़ी है लोग मतलब अभी थोड़ा तो सा डांस वांस करेंगे उसके बाद अंदर घुसेंगे मैं सारी चीज़ें शेयर करूँगी कुछ भी नहीं छुपाऊँगी जितनी भी मैं ऑफ मैं फेस भी नहीं छुपाऊँगी मैं इसके बाद जो वीडियो डालूँगी उसमें बारात एंटर आता है हम लोग हमारी शादी होती है सारी रिचुअल्स मैं शेयर करूँगी ताकि इस दुनिया के लोग को पता लगे कि हाँ ये इंसान शादीशुदा है और बाहर एक लड़की के साथ घूम रहा है क्योंकि इसको कोई हक़ नहीं था मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने का मुझे हर्ट करने का का, मुझे रुलाने का मेरी फैमिली वाले को रुलाने का क्योंकि मैं इसको बहुत ज्यादा प्यार करती थी और इसने मुझे दोका दिया, दोका, दोका, इसने मुझे धोखा धोखा, धोखा, धोखा दिया, दिया है, मैं उसकी बीवी हूं मुझे पूरा हर, लीगल हक है कि मैं इसने जो मेरे साथ गलत किया उस चीज का सजा इसको मिले क्योंकि एक पेरेंट्स एक फैमिली अपनी सारी उम्मीदों के साथ सपने देख के अपनी बेटी की शादी देता है विदाई देता है